Hey Janta, welcome back. Welcome to Vedantu's J channel. My 2022 students, I hope that all of you guys are already geared up with a lot of energy, a lot of boost which is given to all you people so that हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और हमारी प्रेपरेशन जो है वो बिल्कुल उसी एंथुजियाज्म और उसी मोमेंटम के साथ में चलती रहे। ऑलरेडी मैंने इससे पहले दो सेशंस किए हैं तुम्हारे लिए। सेशन के टाइटल्स थे दैट इफ आई स्टार्ट नाउ कैन आई स्टिल क्रैक जेई 2022, और उसके बाद में मैंने एक सेशन किया था जहां पे मैंने बताया था डू दीज टॉपिक्स इन फिजिक्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन जेई 2022। इसी सीरीज का ये तीसरा सेशन है जहां पे मैं बताने वाला हूं दैट हाउ कैन यू कवर योर एंटायर सिलेबस बाय मेकिंग अ स्ट्रेटजी बाय द एंड ऑफ जनवरी। और वी कैन से दैट अगर हम उम्मीद करें कि फरवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में जेई का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अभी तक कोई डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, बट अगर ऐसा होने वाला है तो हमारा सिलेबस उससे पहले कंप्लीट भी हो जाए और उसके बाद जो टाइम मिले उसे हम रिवीजन और बाकी के मॉक टेस्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट एवरीवन, सो आई होप दैट दिस इज वेयर आई हैव योर अटेंशन। सो डेफिनेटली आई वांट यू पीपल टू पे इंटायर अटेंशन टू द स्क्रीन। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन एज यू गाइस, दे ऑल्सो टेक द एडवांटेज एंड बेनिफिट आउट ऑफ दिस थिंग। ओके पीपल, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, बात करते हैं अबाउट दिस सेशन। पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, लेट मी क्विकली स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। दिस इज मी, योर सुनील सर। आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और दिस चैनल, मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं बिकॉज व्हेन यू गाइस विल बी क्रैकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ जी, मोगैम्बो खुश होगा। यस, एंड हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, सो दैट व्हेनेवर मोगैम्बो कम्स ऑन द चैनल यू गेट द नोटिफिकेशन। कूल, तो बच्चों ये तो बात हुई YouTube चैनल के बारे में। क्या स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो नए हैं, क्या तुम्हें पता है दैट वेदांतु इज वन ऑफ द पायनियर ऑफ लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन कोचिंग इन द कंट्री? और ये सपना शुरू हुआ था आज से 7 साल पहले और आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं ये नंबर्स बताते हैं। इस साल जेई 2021 में जेई एडवांस एग्जामिनेशन में वेदांतु के ऑफिशियल स्टूडेंट्स 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस क्रैक किया। एंड नॉट जस्ट दैट गाइज, एक बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग सा फन फैक्ट है कि इस साल आईआईटी जाने वाली जनता में से 6% जनता जो है वो वेदांत होने वाली है। दिस इज नॉट इवन टेकिंग द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ऑन यूट्यूब विद अस इनटू अकाउंट। ये सिर्फ ऑफिशियल स्टूडेंट्स ऑफ वेदांतु हैं जो वेव प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ पढ़ते हैं। इससे पहले की स्टोरी भी बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट द प्लेटफॉर्म दैट यू आर ऑन राइट नाउ इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, इज अ वेरी 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 बिग प्लेटफॉर्म दैट यू आर राइट नाउ ऑन टू। और ये हैं कुछ हाइलाइट्स विद AIR 35 इन JEE मेन वी गॉट दिस ईयर। ओके एवरीवन, अगर तुम JEE 2022 के लिए सीरियस हो, आई विल स्पीक अबाउट इट इन डिटेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। वी हैव अ क्रैश कोर्स आल्सो रनिंग। 6th ऑफ डिसंबर को पहला बैच स्टार्ट हुआ था, 13th को सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द क्रैश कोर्स, द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द सेम। और भी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा लेकिन टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द सेशन। अभी फिलहाल विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अबाउट द प्रेजेंट टॉपिक, एंड दैट इज इफ आई एम इन दैट सिचुएशन जहां पे मुझे अभी भी बहुत डर है, बहुत नर्वसनेस है अबाउट जेई 2022, तो क्या मैं अभी भी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकता हूं बाय द एंड ऑफ जनवरी? ठीक है, तो बात करते हैं इसी टॉपिक पे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देना जनता, और अपने दोस्तों के साथ में अगर शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले एक सिंपल सी क्लैरिटी हमारे हाथ में आना जरूरी है। कितना टाइम है अभी हमारे पास बिफोर वी एक्चुअली अपीयर फॉर द जेई 2022 एग्जामिनेशन, कंसिडरिंग दैट अभी तक जेई का नोटिफिकेशन आया नहीं है, और अगर जेई का नोटिफिकेशन अगले वीक आ भी जाता है तो भी वेरी रिमोट चांसेस की जनवरी में एग्जामिनेशन होगा। तो अगर फरवरी सेकेंड वीक या फरवरी 10th के आसपास एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, सो हाउ मच टाइम डू आई हैव रफली इन माई हैंड? सो काउंटिंग फ्रॉम टूडे देर आर रफली 7 weeks दैट यू हैव, और वी कैन से अराउंड 50 days। तो 50 दिन का ये प्लान है और डेफिनेटली 50 दिन में पूरा PCM का सिलेबस कवर करना एक हरक्यूलियन टास्क है। तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होनी चाहिए ये बात कि जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं तो टारगेटेड सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमें
उन चीजों को ओमिट करना चाहिए जिनसे हमें जी एग्जामिनेशन में कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहां अब बात ज्ञान की नहीं है, यहां पे अब बात है सिलेक्शन की, हमारा एग्जामिनेशन क्लियर करने की और एक साल और ना लगाना पड़े इस प्रिपरेशन में उसे बचाने की। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही टैंजिबल चीजों के बारे में बात करता हूं मैं हमेशा, और आज भी एग्जैक्टली उसी लाइंस पे हम लोग जाने वाले हैं। ओके गाइस, तो यस, सिंपल सी बात है, जो भी प्लान ऑफ एक्शन बनेगा मैं हमेशा सिर्फ टेम्पलेट्स बताता हूं, मैं सिर्फ तरीका बताता हूं, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं, चलना तुम्हें ही है। तो तुम्हें अगले 7 वीक्स के लिए एक ऐसा प्लान बनाना है जिसमें जो पॉइंट्स तुम्हें रखने चाहिए वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। दैट मींस आई एम गोइंग टू शो यू द पाथ एंड इफ यू आर रियली सीरियस देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू रिक्वायर यू टू गो थ्रू दिस हरक्यूलियन टास्क, विल रिक्वायर यू टू पुट मैसिव एफर्ट्स, और अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो ये पॉइंट्स का ध्यान रख लेना, यू विल बी एबल टू डू इट, मैनेज इट एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने 2 साल पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, सीरियसली 11th स्टैंडर्ड में आने पर प्रिपेयर करने लगे थे और बिल्कुल कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे थे, उनके कंपैरिजन में अगर अब तुम उस स्टेट में आए हो कि तुम्हारी सीरियसनेस का लेवल उन तक पहुंचा है, तो डेफिनेटली यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम कंपैरेटिव टू देम। तो अब अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो एज आई सेड मुझे बहुत सारा वो पोर्शन तो ओमिट करना पड़ेगा जो जेई से रेलेवेंट नहीं है, जेई में उससे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल टाइम है उसको यूटिलाइज करना है मुझे टू स्टडी द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड से शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स जो होते हैं वो भी करना है अगर मुझे, तो मेहनत बहुत लगने वाली है। तो अब उस सवाल के ऊपर सबसे पहले आंसर आ जाना चाहिए कि कितने घंटे मुझे पढ़ने की जरूरत है। यहां से अगले 50 दिन हर रोज कम से कम 12 घंटे की सेल्फ स्टडी, 12 से ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। दैट सिंपली मींस कि तुम्हारा जो भी सोशल मीडिया टाइम है, स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप, अपने दोस्तों के साथ चिट चैट, स्नैपचैट, व्हाटएवर इट इज, कट दैट डाउन टू जीरो। यस, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कोल्ड टर्की मेथड, जस्ट शट इट डाउन, डू नॉट try to get involved into things which are going, which can wait actually. अगर तुम्हारी कोई ऐसी hobby भी है जिसे तुम pursue करते हो, तो as of now for next 50 days at least, उसे एक break दे दो, उससे अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लो। हाँ, थोड़ा सा sleep time अगर कम कर सकते हो, 5 to 6 hours की sleep निकाल सकते हो, तो definitely तुम्हें अब उस मोड में जाने की जरूरत है। जो भी मोटिवेशनल मूवी देख के तुम्हें वो फील आती है आज, बिल्कुल उसी मोड पे तुम्हें जाने की जरूरत है। फिर वो चाहे लगान मूवी हो, चक दे इंडिया मूवी हो, या भाग मिल्खा भाग हो, जो भी मूवी से तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती है, उसमें जो कैरेक्टर की सिचुएशन थी, बिल्कुल उस सिचुएशन में तुम्हें खुद को लेके आना पड़ेगा। 12 घंटे मिनिमम, उससे ज्यादा करोगे तो और भी बेहतर है। ये सबसे पहला और सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। प्रैक्टिकलिटी तभी वैलिड होगी, प्रैक्टिकली ये चीज तुम तभी अचीव कर पाओगे जब तुम इसके पीछे एकदम, क्या बोलना चाहिए मुझे, जुनून के साथ में अगर इस पे लग जाओगे। ठीक है जनता, मतलब ये कि यहां से आगे का डिस्कशन तभी फ्रूटफुल है जब तुम एक्चुअली इससे आगे मेहनत करने के लिए तैयार हो, आज तक जो भी तुम्हारा कंफर्ट जोन था वहां से बाहर आने के लिए तैयार हो, बिल्कुल सब कुछ भूल के बिना पीछे मुड़ के देखे हुए तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। हर रोज 12 घंटे से ज्यादा पढ़ना है, मंडे टू संडे पढ़ना है, दैट मींस व्हाट, कोई एक ब्रेक वाला दे भी नहीं होगा बीच में। ठीक है, गुड, सो दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। अगर यहां तुम चेक, यानी कि तुम्हारे लिए ये राइट है, तुम ये कर सकते हो, तो ही वीडियो को आगे देखो, वरना अभी कभी वीडियो को बंद कर देना। ठीक है, गुड, सो दोज हु आर वॉचिंग इट फर्दर फ्रॉम हियर, आगे का जो सेकेंड पॉइंट ध्यान में रखना है तुम्हें अपने स्ट्रैटेजी को बनाते समय, वो ये कि तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ध्यान देना है। मैं बोल भी चुका हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और जैसा कि मैंने बोला जिस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है उसका सेकेंड वीडियो ये था, डू दीज फिजिक्स चैप्टर्स और टॉपिक्स टू मैक्सिमाइज योर जेईई स्कोर्स। ऑलरेडी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी ऐसे टॉपिक्स बताए जा चुके हैं, अरविंद कालिया सर ने भी किया था, हर्ष महेश्वरी सर ने भी बताया था, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करो। ये वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी नॉट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन योर वीडियो या प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा, तो वीडियोस में जाके इसे ढूंढो, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। राइट एवरीवन, सो दिस वाज डन ऑन सैटरडे, दिस वाज डन ऑन 11th ऑफ दिसंबर, सो यू विल फाइंड दिस वीडियो, डेफिनेटली देख लेना, तो तुम्हें ये जरूर मालूम पड़ जाएगा कि क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना जरूरी है, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। और इसी के बिगिनिंग में मैंने एक एनालिसिस भी बताया था 2019, 2020 और 2021 में सारे फिजिक्स के चैप्टर्स का,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तक की लिस्ट भी बताई हुई है. तो मेक श्योर तुम जो भी प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे उसमें ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर से स्टार्ट हो जाओ, उस ऑर्डर में जाना जिस ऑर्डर में चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस है, वेटेज है और क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में. डू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट. ठीक है, कूल. सेकेंड पॉइंट डन. थर्ड वन, अब प्लीज चैन से सोना है तो जाग जाओ और अब अपनी टेक्स्ट बुक को हाथ में लेके थ्योरी पढ़ना बंद कर दो. तुम्हें अगर थ्योरी करनी भी है तो उसका वेटेज 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 25% इज वे मोर व्हाट यू एक्चुअली शुड बी डूइंग एट द मोमेंट. और 25% थ्योरी भी खुद से नहीं करने जाना है किसी बुक को पढ़ते हुए. तुम्हें सिंपली वन शॉट वीडियोज की थ्योरी देखनी है. यस, वो भी बताऊंगा कहां पे है, पर एज ऑफ नाउ सिर्फ 25% मैक्स. उससे भी कम अगर थ्योरी पढ़ के तो अपना टाइम बचा के पूरा का पूरा टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डालना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जी मेन हो या चाहिए एडवांस एग्जामिनेशन हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस हैं. दे आर ओनली एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन. ये तुमसे कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. आउट ऑफ 90 क्वेश्चन विच विल बी देयर, यू विल बी वेरी लकी अगर तुम्हें 5 या 10 क्वेश्चन, या रादर आई शुड से 60 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स की अगर बात करूं, उसमें से अगर तुम्हें 5 क्वेश्चन भी ऐसे मिल जाए जो डायरेक्टली थियरी बेस्ड है, यू आर वेरी लकी. ठीक है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड डू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन सॉल्व. दैट्स बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट इन द नेक्स्ट कमिंग 7 वीक्स और 50 डेज. ठीक है जनता, तो दिस इज डन एंड द नेक्स्ट वन, करना क्या है, सॉल्व कहां से करोगे, ये भी मालूम पड़ गया कि कहां कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स करने हैं. और उसके अलावा अभी इस पॉइंट में हमने ये भी देख लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग करूं कहां से. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का सबसे अच्छा एवेन्यू है वेदांतु के तत्व बुकलेट्स. ये है वेदांतु तत्व प्रैक्टिस बुक्स फॉर 11th एंड 12th, सेपरेट होते हैं. इन्हीं बुक्स में तुम्हें एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 मिलती है. एक्सरसाइज 1 है जेई मेन लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 2 है जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 की ही जरूरत है. ओके, पहले एक्सरसाइज 1 करनी है, फिर एक्सरसाइज 2 करनी है, और ये दोनों करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस. जो अभी पिछले पॉइंट में भी मैंने बताया, 75% ऑफ द टाइम हैज टू बी डेडिकेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. नाउ इफ यू आर नॉट ऑलरेडी ऑन वेदांतु, इफ यू आर ऑलरेडी ऑन वेदांतु यू हैव दिस बुकलेट, सो यू नो व्हाट इज टू बी डन. इफ यू आर नॉट ऑन वेदांतु एंड प्लानिंग टू ज्वाइन, तो ज्वाइन करते ही तुम्हें ये बुकलेट मिल जाती है, बोथ सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज के फॉर्म में मिलती है. अगर वेदांतु ज्वाइन नहीं किया है, नहीं करने भी वाले हो, वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूट, उन्होंने तुम्हें डेफिनेटली एक स्टडी मटेरियल दिया होगा, उसमें भी वो एक्सरसाइजेस होंगी. वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. कौन सी एक्सरसाइज? 1 प्रीवियस ईयर से पहले एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली जेई एक्सरसाइज होगी, जिसमें जेई मेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे. दैट इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज. सेकंड फॉर दैट चैप्टर हैज टू बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सिर्फ PYQs नहीं लगाने हैं, क्योंकि PYQs लगाने से सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हमें मिल रहे होते हैं. अगर बाय एनी चांस सरप्राइज मिला हमें जेई के एग्जामिनेशन में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ गए, तो हमें कोई आइडिया ही नहीं होगा. इसीलिए हमें नॉर्मल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करना जरूरी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करना बहुत जरूरी है. ठीक है जनता, तो वेदांतु की बुकलेट्स अगर चाहिए और वेदांतु ज्वाइन करने वाले हो, करने के बारे में सोच रहे हो, तो आई गिव यू द आइडिया. डोंट वरी. ओके नाउ, डेफिनेटली 12 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाले हो, बहुत एफर्ट्स भी डालने वाले हो और थियरी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करने वाले हो. उसके अलावा तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ये भी पता है, और कहाँ से करना है तत्व की बुकलेट वो भी तुम्हें मालूम पड़ गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट पुटिंग योर सेल्फ इन एक्चुअली द नेट प्रैक्टिस सिचुएशन, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो तुम्हें मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और पॉसिबल हो तो एक टेस्ट सीरीज भी लगाना बहुत जरूरी है. बाय मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज आई मीन, कभी भी अगर तुम मॉक टेस्ट देते हो, पहली बात तो एक रूटीन में दो, कम से कम संडेज को तो देना ही है, उससे ज्यादा दे सकते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है. कभी भी मॉक टेस्ट देते समय पहली बात तो बैक टू बैक मॉक टेस्ट मत दो कि अभी एक मॉक टेस्ट खत्म हुआ और आधे घंटे बाद एक और मॉक टेस्ट दे रहे, एफिशिएंसी एकदम डाउन हो जाएगी. एक मॉक टेस्ट सुबह दे दो, एक मॉक टेस्ट शाम को दे दो. अगर एक दिन में 3 देना चाहते हो तो पहली बात तो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि 9 घंटे सिर्फ मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज हर बार तुम्हें 3 घंटे बैठना चाहिए. दैट इज हाउ द मॉक टेस्ट्स आर गिवन. एक दिन में 2 से ज्यादा मॉक टेस्ट मत देना. अगर सिर्फ संडे दे रहे हो तो हाँ 2, लेकिन अगर वीक में स्प्रेड कर सकते हो तो एक्चुअली अलग अलग दिन हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दे सकते हो 3-3 घंटे के लिए.
लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट दे देना इज नॉट सफिशिएंट. व्हाटएवर मॉक टेस्ट ऑन टेस्ट सीरीज दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर, मेक श्योर कि टेस्ट होते ही तुम उसका एनालिसिस भी कर रहे हो बाय गेटिंग वेयर यू डिड राइट, वेयर यू डिड रॉन्ग. तुम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उन पे वर्कआउट कर रहे हो कि तुम्हें क्या चीजें बार बार तुम गलत कर रहे हो जो तुम्हें लगता था कि करेक्ट होनी चाहिए थी, जिसपे तुम एक्चुअली अच्छे थे. और अगर वहां ये गलतियां हो रही थी तो तुम्हें वो करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. और वहीं से तुम्हारा रिविजन भी अपने आप हो जाएगा. एक बार ये सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आते हैं उन पे स्टार मार्किंग करते हुए चलना. 1 star, 2 star, 3 star. 3 star आर द मोस्ट चैलेंजिंग वन, 2 star आर द रिलेटिवली इजियर वन. 1 star जो अगर टाइम रहा तो देखने चाहिए. रिविजन के टाइम पे सिर्फ ये स्टार मार्किंग वाली चीजें ही हमें देखनी होगी, ठीक है जनता. गुड. उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है ये, मेक यूज ऑफ द वन शॉट सीरीज. मैंने बोला था कि थियरी कहां से पढ़नी है हमें, तो वेदांतु जेई चैनल पे ऑलरेडी ये वन शॉट सीरीज पहले भी की हुई है. पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है यहाँ पे. प्लेलिस्ट में जाओगे वन शॉट्स की पूरी सीरीज तुम्हें मिल जाएगी. अगर तुम ये वाली नहीं करंट देखना चाहते हो तो करंट वन शॉट सीरीज भी है, तो मल्टीपल वन शॉट सीरीज अवेलेबल है. वहां से सिर्फ थियरीज देखो. अगर वहां कोई असाइनमेंट अवेलेबल है ले लो, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा एक्सरसाइज 1 or 2 ऑफ तत्व और विच एवर कंटेंट दैट यू आर सॉल्विंग एट द मोमेंट, ठीक है जनता. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सोल्यूशन है जो बताऊंगा, बट फिर से रिपीट कर देता हूं. अब समय सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने का नहीं है, डे ड्रीमिंग करने का नहीं है. अब टाइम आ गया है कोई भी एक्सक्यूज दिए बिना एक्शंस लेने का. तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उन्हें एक बार अच्छे से ध्यान से सुनते हुए समझते हुए अपने अंदर एक बार बिठा लो. अपने आप से एक बार फिर से पूछ लो कि क्या मैं इतनी कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मैं तैयार हूँ अगले 50 दिन के लिए सब कुछ भुला के सिर्फ इसी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने के लिए. अगर हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ तो उसके बाद में अपने आप को कोई एक्सक्यूज मत देना. कोई शादी, कोई बर्थडे पार्टी, कोई फ्रेंड का कोई भी गेट टुगेदर, किसी भी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो अगले 50 दिन के लिए. आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस तपस्या फॉर नेक्स्ट 50 डेज, ठीक है जनता. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, इस एंटायर सिलेबस को खुद से कवर नहीं कर पाओगे, तो ये इंट्रोस्पेक्शन भी तुम्हें अभी करना पड़ेगा. आज से 15 या 20 दिन या 25 दिन के बाद में, हाफ वे डाउन जाने के बाद में, अगर ये रियलाइजेशन किया आया कि यार मुझे एक्चुअली कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए था, मुझे किसी मेंटरशिप में चले जाना चाहिए था, मुझे किसी टीचर से चीजें पढ़ लेनी चाहिए थी, तो बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है. तो इफ यू थिंक दैट यू नीड हेल्प फ्रॉम वेदांतु टू कवर योर एंटायर सिलेबस, वो मौका अभी है और राइट टाइम भी है. हाउ? एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू पीपल इन द बिगिनिंग आल्सो, इज द क्रैश कोर्स ऑफ वेदांतु. ये वेदांतु का जो क्रैश कोर्स है बच्चों, ऑलरेडी इसका पहला बैच जो एक्स्ट्रा स्पेशल बैच होता है, जहां पे ऑब्वियसली टाइम का सबसे बड़ा फैक्टर होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द रीजंस टू बी इन द क्रैश कोर्स अर्ली क्रैश कोर्सेज इज, पहला तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सेकंड वन हैज स्टार्टेड ऑन 13th ऑफ डिसंबर. इन अर्ली क्रैश कोर्स बैचेस में जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक तो द काइंड ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, सेकंड वन द काइंड ऑफ क्राउड दैट यू आर गोइंग टू बी विथ. यस गाइस, जो स्टूडेंट्स के साथ में तुम कंपीट कर रहे होते हो, दे आर द वन हु आर एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट द एग्जामिनेशन, हु हैव वोकन अप एंड दे वांट टू गिव देयर बेस्ट शॉट. और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तुम्हारा कॉम्पिटिशन ही तुम्हारा बेस्ट तुमसे निकलवाता है. एंड दैट इज वाई व्हेन यू आर थिंकिंग इफ यू कम टू द पॉइंट दैट यू वांट टू जॉइन दिस क्रैश कोर्स, नाउ इज द टाइम फॉर दैट. लेट मी टेल यू, इस क्रैश कोर्स में तुम्हें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. सबसे पहला तो जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तुम्हें फोर्स रूटीन में वो ऑलरेडी पूरा मिलने वाला है. That means what? तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ में ये कोर्स तुम्हें कंप्लीट कराने वाले हैं. Yes, the master teachers. 90 plus sessions में PCM का सिलेबस कंप्लीट होगा. तुम्हें इसे फॉलो करते जाना है. ठीक है? उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट एंड 10 पार्ट टेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट देना, ये है अवेलेबल. उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट और असाइनमेंट्स हैं. इन टेस्ट के अलावा ऑफलाइन टेस्ट भी हैं, असाइनमेंट्स हैं. तो अगर तुम्हें एक्सरसाइज और 1 or 2 हो जाने के बाद में भी प्रैक्टिस की जरूरत है ड्यूरिंग द रिविजन टाइम, यू कैन डू द असाइनमेंट्स एज़ वेल. You know that. सबसे बड़ी दुखती रग जो जेई प्रेपरेशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की होती है और वो है कि सर मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय बहुत डाउट्स आते हैं और मैं पूछ नहीं पाता, डाउट्स मेरे पाइल अप होके रह गए. तो मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे कितने डाउट्स अभी बचे हुए, बट हाँ डेफिनेटली उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा है किसी टॉपिक पे. वी हैव एन अमेजिंग सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द वेदांतुस डाउट ऐप. जैसे ही तुम सॉल्व करने बैठे हो, तुमने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन का सिर्फ तुम्हें एक स्नैप लेना है, उसे अपलोड करना है वेदांतु की
डाउट ऐप पे एंड विद इन 20 मिनट्स ऑफ एवरेज टर्न अराउंड टाइम तुम्हारे क्वेश्चन का तुम्हें सोल्यूशन मिलता है और तुम उन मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो हु आर प्रोवाइडिंग यू द सोल्यूशन टिल द टाइम यू गेट कंप्लीटली सैटिस्फाइड राइट एवरीवन. तो तुम्हें एक्चुअली क्लास में दोबारा जाने तक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है किसी क्वेश्चन का किसी डाउट का प्रॉब्लम ढूंढने के लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए. ओके एवरीवन अपार्ट फ्रॉम दैट द टेस्ट सीरीज ये एक ऐसा क्रूशियल फैक्टर है जो जब तुम टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आते हो तो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते बढ़ाते ये भी जानने की कोशिश करते हो कि मैं एक्चुअली कहाँ स्टैंड करता हूँ. ये सवाल बहुत नेचुरली आता है दिमाग में दैट एट द नेशनल लेवल वेयर डू आई स्टैंड. ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है इसमें देश के सारे कोने से बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे रहे होते हैं. तो यू गेट टू नो वॉट रैंक यू आर गेटिंग प्रोपोर्शनली वॉट रैंक यू कैन एक्सपेक्ट इन द जेई एग्जामिनेशन. तो जब तुम एग्जाम में जा रहे होते हो तो तुम रियलिस्टिक टारगेट्स और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एकदम अपने एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट करते हुए जा रहे होते हो. दैट इज व्हाट इज वेरी 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 एसेंशियली नीडेड. अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली जितने भी सेशंस तुम अटेंड करते हो उनके रिकॉर्डिंग्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो. क्लास में जो भी हम नोट्स लिखते हैं वो नेचुरली पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हें मिल जाता है. अ लॉट ऑफ फॉर्मूला शीट्स एंड मेनी मोर थिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ. मोर इम्पॉर्टेंटली जो क्रैश कोर्स होता है इसके क्लासेस खत्म हो जाएंगे आफ्टर 90 प्लस सेशंस जितने भी सेशंस में ये प्लान होता है वो कंप्लीट होने तक. तुम्हारे जेई के एग्जामिनेशन से पहले ऑब्वियसली कोर्स कंप्लीट हो जाता है बट तुम स्टूडेंट रहते हो वेदांतु के जब तक कि तुम्हारा एग्जामिनेशन और जेई एडवांस नहीं हो जाता है. दैट मीन्स वॉट उसके दौरान भी तुम वेदांतु से कनेक्टेड रहोगे यू विल स्टिल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग हियर. ठीक है एवरीवन. तो अगर ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो व्हाई डिड आई से नाउ इज द बेस्ट टाइम अभी बताता हूँ वो भी. एज ऑफ नाउ बिकॉज इट इज इन द इंट्रोडक्टरी फेज दैट्स व्हाई द फीस विच इज एक्चुअली 20,000 इज राइट नाउ फॉर 10,000 रुपीज. और अगर तुमने SMCC कोड वाला लिंक यूज किया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो तुम्हें ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा फॉर जस्ट रुपीज 9,000. ओके एडिशनल बेनिफिट भी बताता हूं ध्यान देना उन पॉइंट्स के ऊपर भी बच्चों. ओके तो ये एज अ PDF तुम्हें मिल जाएगा. मोर इंपॉर्टेंटली ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बच्चों. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आओगे तो यू विल सी दिस पैनल रिटन ओवर देयर. इसमें जेई क्रैश कोर्स पे क्लिक करो यू विल सी दैट एक नया पेज खुल जाता है. इस पेज पे जेई 12th जेई एडवांस 2022 ग्रेड के लिए है ये एंड दिस इज 2022 क्रैश कोर्स टारगेटेड टिल जेई एडवांस ऑब्वियसली. तो जो क्रैश कोर्स है उसमें तुम्हें डेफिनेटली टीचिंग एंड रिविजन दोनों चीजें मिलने वाली हैं एंड दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं प्रो लाइट एंड प्रो क्लासिक. नाउ व्हाई डिड आई से नाउ इज द बेस्ट टाइम टू जॉइन. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रो लाइट डज नॉट गिव यू द डाउट सॉल्विंग ऐप का एक्सेस बट प्रो क्लासिक गिव्स यू. बट देन सर इट इज 10,000 रुपीज. दिस वन इज द वन विच इज 9,000. सो द बेस्ट टाइम टू जॉइन नाउ इज बिकॉज व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन विद द कोड SMCC यू आर गोइंग टू गेट प्रो क्लासिक which has the doubt solving app ka also the access for you for the same price as pro lite. So please do not join with pro lite, join with pro classic kyunki utne hi fees pe tumhe doubt solving app ka bhi access milne wala hai. Not just that mere pyare bachcho, these are your amazing master teachers. All of them have been coaching students for many years and experts in doing this in the form of crash course as well. ये है मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा टाइम टेबल. लेट मी शो यू से मैथमेटिक्स ऑलरेडी तुम्हारा टाइम टेबल यहाँ पे सेट है. तुम पहले दिन ही ज्वाइन करने पर देख सकते हो कब कौन सी क्लास होने वाली है मैथ्स की, कब होने वाली है फिजिक्स की और कब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है. और टाइम टेबल ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू गाइस हर वीक में मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को कब कब क्लासेस होंगी डे वन पे तुम्हें पता होगा. इसीलिए मैंने बोला कि तुम ऑलरेडी फोर्स रूटीन में जाने वाले हो. जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है सिलेबस कंप्लीट करने की वो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. तुम्हें सिर्फ फॉलो करते चले जाना है. टेस्ट सीरीज अवेलेबल, तत्व बुकलेट विल बी गिवन टू यू, ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्योंकि CBT मोड पे एग्जाम देना जरूरी है बिकॉज JEE इज ऑल्सो इन दैट. ऑल द टेस्ट दैट यू अपियर ऑन वेदांतु आर द CBT मोड एग्जामिनेशंस. द मास्टर टीचर्स हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर सो मेनी ईयर्स कि तुम जो गलतियां करने वाले हो पॉसिबली वो उन्हें पहले से पता है. दे आर गोइंग टू गाइड यू अकॉर्डिंगली. सो If you think कि कहीं ना कहीं तुम्हें एक मेंटर की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक सिस्टम की जरूरत है तुम्हारे पीछे अगले 50 दिन या जब तक तुम्हारा JEE का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तो नाउ इज द टाइम टू ज्वाइन. इसी समय
जो लिंक मैंने बताया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जेई क्रैश कोर्स क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, प्रो लाइट पे क्लिक करना और प्रो लाइट के बाद प्रो क्लासिक दिखेगा, प्रो लाइट पे क्लिक जरूर करना पर ज्वाइन प्रो क्लासिक करना, बिकॉज प्रो क्लासिक में यू आर गोइंग टू गेट द सेम फीस एंड द एडवांटेज ऑफ द मोबाइल डाउट सॉल्विंग ऐप. क्लिक ऑन बाय कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे वो आपका ईमेल आईडी पूछेगा. इस ईमेल आईडी को ध्यान से देना क्योंकि इसी ईमेल आईडी के थ्रू आप ज्वाइन करोगे, सारे ईमेल कम्युनिकेशन आपके इसी के थ्रू होंगे, तो मेक श्योर जो ईमेल आईडी दोगे उसका पासवर्ड तुम्हें याद है. ठीक है एवरीवन, एंड देन ऑलरेडी जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है उसे ज्वाइन करो और लेट मत करो और लग जाओ अपने ड्रीम की तरफ जाने के लिए, उसे सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए. ओके जनता, तो This brings us to the end of this video as well. इसी सीरीज में अगर तुम्हें और भी चीजें मुझसे जाननी हैं, तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ लेना, मुझे पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली और क्या चीजें तुम मुझसे जानना चाहते हो, किसी और टॉपिक पे तुम चाहते हो और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, या कोई और चीज तुम्हें परेशान कर रही है, तो डू टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स. आई पर्सनली रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ द वीडियोज के कॉमेंट्स, एंड इफ देर इज अ टॉपिक विच आई फाइंड इज समथिंग विच इज एक्चुअली वेरी जेन्युइन एंड इज बॉदरिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं खुद पर्सनली उस पर रिसर्च करता हूँ, खुद स्लाइड्स बनाता हूँ, एंड देन आई कम अप विद दोस एक्सप्लेनेटरी वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. ओके, सो आई होप दैट कि ये वीडियो भी तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, मैंने टेम्पलेट दिया है तुम इसे फॉलो कर सकते हो. डू ट्राई दैट एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स हाउ यू आर लाइकिंग द पॉइंट्स. इफ देयर इज एनी पॉइंट दैट यू वांट टू ऐड यू कैन टेल मी दैट एज वेल. और अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. Okay, Janta. So I'm going to see you all very soon. All the best. See you in the crash course. Take care. Bye-bye. Love you all.